अंडर द ब्यूटी पे नया मेरे भी अपना उट्लुले क्या लेंगा है भाई की शर्ट के नीचे लेंगा पड़ा है लेके आओ लेंगा हाँ जिधर आओ मेरी दिखा रही ये देखो ऊपर देखो और... <laughs> बाल ठीक है ये देखा ये दे लो नहीं ये लो नहीं हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल ये है और आप देख रहे हैं फैमिली वी सबा और मैं हूँ आपके साथ सबाहत तो जी आप लोग सुनाए क्या हाल चाल है आप लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरीत से फिट फाट और मैं उम्मीद करती हूँ मेरी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ कर देख रहे हैं सब बिल्कुल ठीक ठाक हूँ फिट वाट खैरियत से हूँ तो जी ये जो आप लोग व्लॉग देख रहे हैं ना ये है कुछ दिन पहले का और जब मैं इस्लामाबाद में थी अपनी अम्मी की तरफ और अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो जाके ज़रूर देख लें मैं अपनी अम्मी के घर थी और मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझे लेने के लिए आए हैं लाहौर से और उसके नेक्स्ट डे ही जो है ना हमने जाना है जी पेशावर ये हम लोग जा रहे हैं पेशावर के लिए निकल गए हैं और और हमने क्यों जाना है पिशावर? वो इसलिए कि हम जा रहे हैं जी शादी पे मेरे अपने ए, मेरे जो हस्बैंड हैं इनके कज़न की शादी है पिशावर में एक्चुअली रहते वो लाहौर में हैं उनके कज़न लेकिन शादी जो है वो पिशावर एक पठान लड़की से कर रहे हैं तो बहुत मज़े की बात है वो खुद तो पठान नहीं है लेकिन उनकी शादी जो हो रही है वो पठान लड़की से हो रही है पठान जो है फैमिली है पिशावर में तो बस जी अभी आप लोगों ने क्लिप देखा ये मॉर्निंग का ही क्लिप था जब मैं सब के सब सबके बच्चों के दोनों बच्चों के मैंने कपड़े प्रेस किए हस्बैंड के और आ, अपने बल्कि रात में ही प्रेस करके रख लिए थे और क्योंकि हमने मॉर्निंग में निकलना था पिशावर के लिए एक्चुअली शादी जो है वो दोपहर की है रात की नहीं है ठीक है वहाँ पर ना ज़्यादातर जो शादियाँ होती हैं ना वो इस तरीके से दोपहर में हो जाती हैं और जो लड़के वाले हैं वो लाहौर से दो दिन पहले ही चले गए थे पिशावर क्योंकि ज़ाहिर अरेंजमेंट करना बातचीत करनी अरेंजमेंट तो क्या करना था उन्होंने क्योंकि बारात थी वो तो लड़की वालों का ही काम होता है सारा लेकिन बातचीत करना के सारे प्लानिंग करना ज़ाहिर वो सब कुछ काम होते हैं तो वो दो दिन पहले ही लाहौर से चले गए थे पिशावर और बस मेरे हस्बैंड आए एक दिन पहले और हम लोग भी ये सैचरडे का दिन था और हम लोग भी निकल गए और हम जो है ना जरा थोड़ा सा लेट निकले हमने जो है क्योंकि शादी का दोपहर में शादी थी तो जहर बात है उधर खाना भी था दोपहर में तो हमने सोचा कि बस हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट किया जाए तो बस हमने ब्रेड और स्ला, स्लाइस के साथ जो है अंडा वगैरह ये चीज़ें खा ली थो, थोड़ी बहुत नो एनी पराठा नो एनी नान कुछ ऐसी चीज़ें नहीं खाई हैवी शेवी बल्कि अहमद जो है मेरा बेटा वो तो ना एवॉइड ही करता है जब कहीं सफ़र पर जा रहा होता है ना तो ज़्यादा वो हैवी चीज़ें कुछ भी नहीं खाता उसको ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जो कहते हैं ना जैसे वॉमिट फील होती है सफ़र पे तो उसको ये चीज़ होती है तो बेचारा बहुत डर जाता है तो वो ना जब हम सफ़र कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे भी वो बहुत कम कुछ खाता है उससे पहले भी वो कहते हैं मामा मैंने कुछ नहीं खाना जब तक वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं जहाँ हमने पहुँचना होता है उधर जा वो आराम से खाता है तो बस हमने भी हल्का फुल्का नाश्ता किया लेकिन हमें ना निकलते निकलते ना थोड़ा सा हो गया टाइम हम ज़रा थोड़ा सा टाइम से निकले मतलब लेट हो गए हम निकलने में तो मेरे हस्बैंड और मेरे भाई थे तो ये लोग जो है आपस में मजाक करते हुए जा रहे थे कि भई हमारा तो आज का शादी का खाना भी मिस हो जाएगा और जो निका होना है वो भी मिस हो जाएगा मतलब हम नहीं पहुंच सकेंगे निका के टाइम और खाने के टाइम भी हम नहीं पहुंच सकेंगे मिस हो जाएगा हमारा लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम जो है बिल्कुल टाइम से पहुँच गए इतना ज़्यादा लेट नहीं हुए और जब हम पहुँचे तो उस टाइम बस निका ही हो रहा था तो बस हम जो है टाइम से पहुंच गए थे क्योंकि अगर थोड़ा सा लेट हो जाते ना तो बड़ी एम्बेरसमेंट होती है सबके सामने कि भाई हम जो है अलग से आते हुए नज़र आ रहे होते हैं लेट और हर कोई जो है वो हर किसी का चेहरा ऐसा लगता है हमें ही देख रहे हैं कि भाई हम इतने लेट हो गए हैं और पूछ रहे हैं सब कि भाई क्यों इतना लेट हो गए हो तो अच्छा नहीं लगता तो बस थोड़ा बहुत लेट हो गए थे और लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इतना ज़्यादा लेट नहीं हुए सारे काम हमारे सामने ही हुए तो बहुत इन्जॉय किया हमने इस शादी को बहुत अच्छा लगा ज़रा डिफरेंट सी शादी थी और मेरी अम्मी जो हैं वो तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि पिशावर में उन्होंने अपनी सारी लाइफ जो है बचपना बचपना उन्होंने अपने जो है वो कराची सॉरी कराची नहीं पिशावर में गुजारा है और शादी के बाद वो गई थी कराची पठान तो नहीं है मेरी अम्मी लेकिन सारा टाइम जो है उन्होंने शादी से पहले का पिशावर में गुजारा है तो बस अम्मी को बहुत पसंद है पिशावर और हम भी आते जाते थे तो अच्छा लगता है उधर आना जाना मतलब सारे पुरानी जो है ना जैसे कहते हैं ना पुरानी यादें या गोल्डन मेमोरीज वो जो है ना आ जाती हैं वो जो है साथ होती हैं हमारे तो जी यहाँ पे बस हम सफ़र कर रहे थे और इसके साथ साथ जो है ना मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ और स्वीटी जी लाहौरी व्लागर जो हैं उनके बारे में मैं बात करती हूँ आज बहुत अच्छी विलागर हैं मुझे भी बहुत पसंद है और मेरे साथ बहुत से लोगों को पसंद होंगी और यकीन और माशाला अब तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं बहुत उनका चैनल जो है माशा वो ग्रो कर रहा है और सिर्फ चैनल ही नहीं ग्रो कर रहा मतलब अब तो मैं देख रही हूँ वो डिफरेंट चैनल्स पर भी आ रही हैं मींस के उनके जो चैनल्स होते हैं जो इंटरव्यू के इंटरव्यू लेते हैं तो वो उनके भी इंटरव्यू ले चुके हैं दो चैनल्स तो ले चुके हैं एक तो उर्दू पॉइंट पे वो आई हैं और एक टुडे डिजिटल पे भी वो आई हैं तो ये दो चैनल जो है उन्होंने इनके इंटरव्यू भी लिए हैं अब तो वो माशा बहुत ज़्यादा फेमस होती जा रही हैं और उनका काम भी अच्छा है आ, नो डाउट बहुत अच्छा काम करती हैं और बहुत अच्छा बोलती भी हैं और व्लॉग्स बहुत अच्छे बनाती हैं तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ अच्छी अच्छी बात करती हैं और फैमिली भी उनकी बहुत अच्छी है बहुत सी बातें बनी उनके ख़िलाफ़ उनके अगेंस्ट जब उनके भाई का निकाह हुआ था लेकिन बस लोग तो बातें तो बनाते हैं लोगों का तो काम ही बातें बनाना होता है बस कहीं कुछ ना मिले तो बस किसी एक को उठाओ और उस पर बातें बना लो चाहे वो सही हो या गलत हो मैं कहती हूँ कि चलें ठीक है आप बातें बनाएं लेकिन जब आपको 100 परसेंट आप श्योर हों कि हाँ जी ये ऐसा है तो फिर आप बनाएं फिर आपको कोई नहीं रोक सकता लेकिन कोई भी बात करने से पहले या किसी पर बात करने से पहले जो है ना हंड्रेड परसेंट इंसान को श्योर होना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है तो जी यहाँ पे मैं स्वीटी की बात कर रही थी जिनका असल नाम जो है वो मीना है और बहुत प्यारा नाम है उनका तो वो बहुत बड़ी बात है कि ये थोड़े ही से टाइम में इतना अभी इनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है यूट्यूब पे लेकिन काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से मशहूर हो रही हैं ये और बल्कि स्टार्टिंग में तो इन्होंने अपना फ़ेस रिवील भी नहीं किया था एक साल तक इन्होंने अपने वीलाग्स जो है बग़ैर फ़ेस रिवील किए बनाए थे और उसमें भी इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा था और उसके बाद जी जब टेन थाउजेंड इनके सब्सक्राइबर्स हुए थे आई थिंक ये लास्ट ईयर की बात है जब इनके टेन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स हुए थे तो जब इन्होंने अपना फ़ेस रिवील किया था और उन्हीं दिनों में मैं भी इनको देखती आई I मीन mean कि उस टाइम से मैंने इनको देखना शुरू किया था जब इनके आई थिंक सेवन थाउजेंड कुछ ऐसे सिक्स थाउजेंड सेवन थाउजेंड कुछ ऐसे ही सब्सक्राइबर्स थे और मेरे सामने ही इनके टेन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स हुए और इन्होंने अपना फ़ेस रिवील किया अच्छा इंसान जो है कहीं पे भी फेम हासिल करता है ना कहीं पे भी कामयाब होता है तो उसकी ख़ुद की तो मेहनत होती ही होती है मेहनत तो ज़ाहिर अब फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपकी कि आपने मेहनत करनी है लेकिन यूट्यूब पे ना लग भी बहुत ज़्यादा चलती है मैंने ये काफ़ी देखा हुआ है ये बात कि यूट्यूब पर जो है लग भी बहुत ज़्यादा काउंट होती है और मैं समझती हूँ कि ये स्वीटी की जो है वो गुड लक है बल्कि बेस्ट लक है मैं तो ये कहूँगी कि उनके जो है उनको ना शबाना आंटी का कुकिंग विद शबाना का उनको साथ मिल गया है इससे उनको बहुत ज़्यादा हौसला भी मिला है और उनका चैनल भी बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है जब से शबाना आंटी जो हैं कुकिंग विद शबाना जो है वो उनकी रिश्तेदार बनी है मीनस कि उनकी बेटी जो है अब स्वीटी की भाभी बनने वाली है तो इनको भी इनके चैनल को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और यकीनन ये तो जाहरी सी बात है ऐसा होना ही था ये तो अंडरस्टूड सी बात है और इसमें अच्छी बात यह है कि स्वीटी की जहाँ पे फॉलोअर्स बढ़े हैं सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं व्यूज़ बढ़ रहे हैं उनका चैनल ग्रो कर रहा है तो इस बात को स्वीटी जो है वो अपने दिल से मानती हैं कि ये सब कुछ जो है उनके हस्बैंड, उनके फ़ैमिली और इसके अलावा कुकिंग विध शबाना की वजह से हुआ है कि ज़ाहिर आपस में ये लोग इनकी रिश्तेदारी हुई है तो ऐसा हुआ है तो वो अपने मुंह से कह चुकी हैं स्वीटी बहुत सी जगहों पे और बल्कि जहाँ पे इंटरव्यूज़ दे रही थी उधर भी उन, उन्होंने कुकिंग विच छुबाना का नाम लिया है और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जी ये दुल्हन और दुल्हा की पिक्स तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इनको इनकी फेस को जो है वो छुपा लिया था और ये पिक थी जब हम इनको घर पे लेकर आ गए थे और माशाल्लाह बहुत दोनों जो हैं दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे और जी अब ये शादी हो गई थी ख़त्म मतलब दिन का टाइम ख़त्म हो गया था और शाम के बाद बल्कि अब ये रात का टाइम हो गया था तकरीबन दस बजे का और हम अब, अब जो है ये पिशावर से वापस इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे मोटरवे से तो ये मोटरवे आप लोग देख सकते हैं पेशावर की और तो जी यहाँ पे मैं बात कर रही थी स्वीटी के बारे में और कुकिंग चबाना के बारे में वैसे तो हम ने, हमें पता है कि कुकिंग भी चबाना ने कभी भी अपने चैनल पे जो है किसी को भी शाउट आउट कभी भी नहीं दिया किसी का नाम नहीं लिया इस तरह, इस तरह से और कि जैसे उनका उन किसी को प्रमोट किया जा रहा हो उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उनका जिस तरीके से भी मामला रहा है स्वीटी के साथ या अब जैसे वो रिश्तेदार उनकी बन गई हैं तो इस ये हम कह सकते हैं कि एक तरह से उनको उन्होंने शाउट आउट ही उनका जो है उनका साथ जो है कुकिंग भी चबाना का शाउट आउट से कम नहीं है स्वीटी के लिए तो ये तो बहुत बड़ी बात है सिटी के लिए उनकी लक है कि उनको शबाना आंटी का साथ मिल गया जो कि इतनी अच्छी बड़ी यूट्यूबर हैं और इतनी फेमस हैं लोग उनको पसंद करते हैं और जिसकी वजह से स्वीटी को भी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है और आ, उनका चैनल भी ग्रो हुआ है तो स्वीटी बहुत आपको मुबारक हो अल्लाह आपको और बहुत ज़्यादा कामयाब करे आपके लिए खुशियाँ हों जो 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 आपके दिल की मुरादें हैं वो सब पूरी हों और आप इसी तरह से अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाती रहें अपने चैनल पे अपलोड करती रहें और जी ये हम जो हैं अब इस्लामाबाद में एंटर हो गए हैं और आप लोग देख सकते हैं ब्यूटीफुल इस्लामाबाद बहुत ख़ूबसूरत लगता है आ, हर शहरी मुझे ना रात के टाइम पे बहुत अच्छा लगता है जो भी लाइटिंग वाइटिंग होती है इतना खूबसूरत हो लगता है ना तो इस्लामाबाद भी रात के टाइम पे बहुत प्यारा लग रहा होता है जो भी लोग वहाँ रहते हैं या जा चुके हैं तो उन लोगों को तो पता ही है वो जानते होंगे और जो लोग नहीं गए अभी तक तो वो यहाँ पर इस्लामाबाद की ब्यूटी को देख सकते हैं आप आ, मैं वैसे भी मेरे व्लाग्स में जो है वो अक्सर नज़र आ रही होती है क्योंकि मेरी अम्मी उधर होती हैं तो मैं अक्सर जाती रहती हूँ कभी दिन के टाइम पर मैं बाहर की ब्यूटी दिखा रही होती हूँ इस्लामाबाद की और कभी रात के टाइम की तो दिन का दिन की जो अपनी खूबसूरती होती है ग्रीनरी नज़र आ रही होती है साफ सुथरा और रात की जो है वो अपनी ही एक रौनक होती है वहाँ पे हर चीज़ साफ सुथरी हर चीज़ डिसिप्लेंड में होती है मीन्स कि ये नहीं होता कि ट्रैफिक अगर ज़्यादा भी है ना तो कहीं ज़्यादा भी ट्रैफिक मिल रहा है तो पिच नहीं होती कम से कम बहुत एक डिसिप्लिन से हर हर काम हो रहा होता है इस्लामाबाद में तो ये चीज़ मुझे उधर की ना बहुत अच्छी लगती है अब आप लोग कहेंगे क्या इस्लाम आबाद की तारीफ़ें लेके बैठ गई है लेकिन मैं क्या करूँ सारी ज़िंदगी ही वहाँ गुजरी है और सब यादें हैं और जब भी मैं इधर जाती हूँ तो यही सब कुछ मुझे उधर बहुत अच्छा लगता है तो बस जी पिशावर से वापसी पे जो है थोड़ी सी देर रुके स्टे किया और थोड़ी सी चाय वाय पी अपने आप को गर्म किया क्योंकि ठंड बहुत थी इस्लामाबाद में भी और पिशावर में तो उससे भी ज़्यादा ठंड थी मज़ा आ गया था ठंड का पिशावर में तो बस चाय वाय पी पी के और बच्चों को ज़रा चिप्स विप्स छोटी मोटी चीज़ें दी और फिर अब हम जो है ये बस इस्लाम पहुँच गए थे और बस अब घर की तरफ जा रहे थे तो बस जी यही था मेरा आज का वी मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें बल्कि अगर ना भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर प्रेस कर दें ठीक है और जो है सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना सब्सक्राइब को के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ओके अपना रखें बहुत सारा ख्याल मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें ओके जी टेक केयर अल्लाह हाफ बाय बाय